हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, सारे हम लोग का जो रह गया था, सारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं और हमारे भाई बहन हैं, वो लोग कह रहे हैं कि सर सारे का आखिरी टॉपिक रह गया था, विशाल भाई कंप्लीट करा दीजिए उसे। तो मैंने सोचा कि आज सारे निपटा दूं, क्योंकि आपका हरियाणा का और आरजीएस में आता है, आरजीएस में भी आता है, तो ये इसके लिए आपका हो जाए। ठीक है, चलिए। तो सारे हम लोग का कहाँ तक हो गया था? 35 तक हो गया था, 36 से 44 तक है। पार्ट 3, ठीक है। 35 तक हो गया था, आखिरी पार्ट रह गया है। ठीक है, कहां से? 36 से 44 तक है, जिसमें 42 एंड 44, ये रिपीट, 43 एंड 44, ये क्या हुआ? ये रिपील हो चुके हैं। 43 44 हट गया है, रिपील हो गया। कब हुआ था? 1976 में, 1974 में, सॉरी 1974 में। ये भी क्वेश्चन आता है कि ये सेक्शन 43 एंड 44 कब हटाए गए। ठीक है, मैं देखा था, किसमें देखा था, छत्तीसगढ़ में आता है, एमपी में भी पूछा गया एक दो बार। ये भी ध्यान रखिएगा कि लास्ट के सेक्शन सेक्शन 43 एंड 44 कब हटाए गए। ठीक, चलिए। तो हम लोग को पढ़ना है, इसमें क्या है, क्या दिया हुआ है? प्रिवेंटिव रिलीफ दिया हुआ है पार्ट 3 में। ठीक है, कि प्रिवेंटिव रिलीफ पे क्या होगा, प्रिवेंटिव रिलीफ क्या है, प्रिवेंटिव रिलीफ में कोर्ट कैसे ऑर्डर पास करेगी। ठीक है, उसमें क्या हुआ, इसमें हम लोग को इंजंक्शन देखने का पड़ेगा कि इंजंक्शन क्या होता है। मार्का से निकल रहा है यार। चलो, इंजंक्शन क्या होता है? अरे भाई साहब, इंजंक्शन क्या होता है? एक टाइप का ऑर्डर होता है जो कोर्ट पास करती है, किस चीज़ के लिए, डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, कि अगर वो कोई ऐसा इलीगल एक्ट करता है, ठीक है, या कंटिन्यू वो इलीगल एक्ट कर रहा है, या इलीगल एक्ट अगेन एंड अगेन कर रहा है, जिससे प्लेंटिफ को इंजरी हो रही है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में उस इंजरी को रोकने के लिए या उस इलीगल एक्ट को रोकने के लिए कोर्ट जो है इंजंक्शन पास करती है। समझ में आई बात कि नहीं? वेरी गुड। अब इंजंक्शन क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। या तो वो परपिचुअल होगा, ठीक है, या टेम्परेरी होगा। टेम्परेरी, ठीक है, या तो वो परपिचुअल होगा या टेम्परेरी होगा। ठीक, इसका जो सेक्शन 36 है, सेक्शन 36, ये यही बोलता है कि प्रिवेंटिव रिलीफ में कोर्ट क्या करेगी, इन दोनों में से कोई एक, या तो कोई कोर्ट इंजंक्शन पास करेगी, वो या तो परपीचल होगा या टेम्परेरी होगा। यही तो दिया हुआ है, सेक्शन 36। प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड? प्रिवेंटिव रिलीफ इज ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट बाय इंजंक्शन, टेम्परेरी और परपीचुअल। ठीक है, यही तो हम लोग ने अभी तक देखा। इंजंक्शन क्या होता है? अभी मैंने बताया कि एक ऑर्डर होता है जो कोर्ट पास करती है अगेन द डिफेंडेंट, अगर डिफेंडेंट कोई ऐसा कोई इलीगल एक्ट करता है, या वो इलीगल एक्ट कंटिन्यूअसली करता है, या इलीगल एक्ट अगेन एंड अगेन करता है अगेन द प्लेंटिफ, जिससे प्लेंटिफ को इंजरी हो रही है, उसको रोकने के लिए कोर्ट वो ऑर्डर पास करती है। ठीक, अब इंजंक्शन कौन कौन से टाइप के होते हैं? अगर 36 के साथ देखें, इंजंक्शन दो टाइप के हैं, या तो वो परपिचुअल होगा या टेम्परेरी होगा। ठीक, ये कैसे फिक्स होते हैं? ये इसके टाइम के हिसाब से होते हैं। ठीक है, अगर परपिचुअल टाइम के लिए है, ठीक, परपिचुअल टाइम के लिए है तो वो परपिचुअल इंजंक्शन हो जाएगा। टेम्परेरी टाइम के लिए है तो वो टेम्परेरी इंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेरी इंजंक्शन हो जाएगा। ठीक, समझ आ रही नहीं बात? अरे छोटी छोटी चीजें हैं यार, ये ध्यान से समझिएगा। समझे कि नहीं? जैसे ही आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास बन के अपॉइंट होंगे ना, सबसे पहले यही केसेस आपके पास आएंगे। समझे कि नहीं? तो इसको जो है सही से पढ़िए। चलो, अब सेक्शन 37 जब हम देखते हैं, सेक्शन 37 वो ये बता, सेक्शन 37 का क्लॉज 1 ये बताता है कि टेम्परेरी इंजंक्शन कब पास करेगी कोर्ट। ठीक, समझे नहीं? टेम्परेरी इंजंक्शन कब पास करेगी? जब एट एनी टाइम, केस के किसी भी समय। ठीक है, कोर्ट जो है टेम्परेरी इंजंक्शन पास कर सकती है फॉर
सर्टेन पीरियड, या तो सर्टेन पीरियड के लिए मान लो कि ये वाला जो हमने इंजंक्शन पास के जो ऑर्डर पास किया है कोर्ट ने वो इतने टाइम के लिए लागू रहेगा, या जब तक कोई फर्दर ऑर्डर पास नहीं होता, या अप टू फर्दर ऑर्डर। समझे कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भैया टेम्परेरी जब 37 क्लॉज पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा टेम्परेरी इंजंक्शन क्या होता है, वो किसी भी टाइम कोर्ट पास कर सकती है, ठीक है, और या तो वो सर्टेन पीरियड के लिए होगा, स्पेसिफिक टाइम के लिए, टेम्परेरी टाइम पीरियड है ना, टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब क्या है, कुछ ही समय के लिए, समझे कि नहीं, या तो कुछ समय के लिए कोर्ट इतने बोलिए कि भैया 3 महीने तक ये ऑर्डर लागू रहेगा, या जब तक कोई फर्दर ऑर्डर पास नहीं होता, है कि नहीं, और ये किससे गवर्न होगा, ये सीपीसी से गवर्न होगा, ये सब 37 क्लॉज 1 में दिया हुआ है। 37 का क्लॉज 2 क्या बोलता है, 37 का क्लॉज 2 ये बोलता है कि परपेचुअल इंजंक्शन कब पास होगा, ठीक है, परपेचुअल इंजंक्शन ये हियरिंग के टाइम पे होगा और ऑन द मेरिट ऑफ द केस, समझे, ये ऐसे नहीं कि ऐसे ही पास हो जाए, ऑन द मेरिट ऑफ द केस, ठीक, और ये किससे डील होगा, ये सारे से ही डील होगा, समझ आ रही बात कि नहीं, चलो पढ़ो, देखो 36 देख लिया हम लोगों ने, 36 में क्या था, ध्यान रखना प्रिवेंटिव रिलीफ हमेशा ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट होता है, ठीक है, ये कई बार प्री में पूछ दिया जाता है, ठीक, कि क्या है ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है, कि शैल लगा हुआ है, कि मे लगा हुआ है, ठीक है, शायद बिहार में आया था 2018 में ऐसा क्वेश्चन कुछ, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। 37 में क्या हुआ है, टेम्परेरी और परपेचुअल इंजंक्शन दिए हुए हैं, कि टेम्परेरी इंजंक्शन कौन सा होता है, परपेचुअल इंजंक्शन कौन सा होता है, बन पढ़ो, टेम्परेरी इंजंक्शन सच एज आर टू बी कंटिन्यू अंटिल ए स्पेसिफिक टाइम, ठीक, और अंटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यस, एंड दे मे बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, इसमें एनी स्टेज ऑफ लिखना है, एट एनी स्टेज, हाँ ठीक है, एट एनी टाइम लिख दिया या एनी स्टेज पर तो ठीक है, हाँ लिखा था यहाँ पर, एट एनी स्टेज ऑफ द सूट एंड मे एंड आर रेगुलेटेड बाय द सीपीसी, ठीक, परपेचुअल इंजंक्शन, ए परपेचुअल इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिग्री मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट ऑफ द सूट, द डिफेंडेंट हियरबाय परपेचुअल एंजॉयड फ्रॉम द असर्टेन ऑफ ए राइट एंड फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन एक्ट व्हिच वुड बी कॉन्ट्रेरी टू द राइट ऑफ द प्लेंटिफ, ठीक, इसमें आपको ध्यान रखना है ये परपेचुअल इंजंक्शन है वो मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट ऑफ द सूट, ठीक है, ये हमेशा जब फाइनली केस डिसाइड हो जाता है तभी कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट करेगी, बात समझ आ रही कि नहीं, चलो अब थोड़ा आगे देखते हैं इसमें क्या है, देखो अब हमें बात करनी है क्योंकि अगला जो है ना चैप्टर 7 पार्ट 3 का, हाँ पार्ट 3 तो पूरा ही है, चैप्टर 6 ही हम लोग का हो गया जिसमें सेक्शन 36 और 37 थे, ठीक है, अब 38 में परपेचुअल इंजंक्शन की बात की गई, परपेचुअल इंजंक्शन क्या होता है, हाँ तो कहा था हम लोग परपेचुअल इंजंक्शन, अगला जो चैप्टर है चैप्टर 8 जिसमें बताते हैं परपेचुअल इंजंक्शन, परपेचुअल इंजंक्शन में भी आप लोग ने क्या देखा कि भैया परपेचुअल इंजंक्शन कब, हियरिंग के टाइम पे और ऑन द मेरिट ऑफ द केस, मेरिट ऑफ द केस पे कोर्ट पास करता है, ठीक है, परपेचुअल इंजंक्शन कब पास करता है, हियरिंग के टाइम पे और ऑन द मेरिट ऑफ द केस, कहां दिया, 37 क्लॉज 2 में दिया हुआ है, ठीक, इतना समझ आई, इसके अलावा और जो इसमें एसआरए से डील होगा, एसआरए में कहां पे, चैप्टर 8 में और सेक्शन 38 से और 42 तक है, ठीक है, चलो देखो अब एक बात और जान लो, परपेचुअल इंजंक्शन क्या होता है ना वो भी दो टाइप का होता है, उसके नेचर के हिसाब से कि ऑर्डर में क्या दिया हुआ, डिग्री में क्या दिया हुआ, कि वो प्रोहिबिटरी है कि मैंडेटरी है, ठीक है, क्या कोर्ट ने क्या कहा है कि कुछ करने के लिए तुम्हें रोका गया है, ठीक है, या कुछ करने के लिए कहा गया है, समझ आ रही बात कि नहीं, अभी समझाता हूँ लोगों को, समझ में कैसे नहीं आएगी, अगर कुछ भी समझ में ना आए तुरंत कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, कि विशाल भाई ये चीज समझ में नहीं आ रही क्या किया जाए, या समझ में भी आ जाए तो भी हमें बता देना, ठीक है, कहने का मतलब है कमेंट जरूर कर देना,
ठीक है। क्या होता है ना, कोई भी अगर कोई वीडियो देखता है तो वीडियो देखने से पहले कमेंट जरूर चेक करता है, ठीक है, कि लोगों ने क्या रिस्पांस दिया है, क्या लोगों ने फीडबैक दिया है, ठीक है। तो आपके फीडबैक से ही वीडियो देखी जाती है, ठीक है नहीं। तो फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो। चलो आप इधर लो, हम लोग देखने वाले हैं परपेचुअल इंजंक्शन, परपेचुअल इंजंक्शन क्या होता है, ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका 37 क्लॉज 2 में दिया हुआ है, ठीक है, वो हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा अगला चैप्टर कि व्हेन परपेचुअल इंजंक्शन इज ग्रांटेड, व्हेन परपेचुअल इंजंक्शन, इससे पहले एक चीज और देखो क्या है, इससे पहले एक चीज समझो कि परपेचुअल इंजंक्शन जो है वो कैसे क्या है, ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर या तो ये प्रोहिबिटरी होगा, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन होगा, ठीक है, या मैंडेटरी होगा। अभी समझाता हूं एग्जांपल से ना। अब प्रोहिबिटरी इंजंक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने केस किया कि माय लॉर्ड मेरा ये मकान है, ठीक है, अब एक आदमी यहां पर दीवार खड़ी करना चाहता है, ठीक है, यहां पर दीवार खड़ी करना चाहता है, जिससे क्या होगा, मेरा एयर जो यहाँ से आती थी या जो लाइट आती थी, ठीक है, वो नहीं आया करेगी, तो इसको रोकने के लिए माय लॉर्ड इंजंक्शन पास करें। तो कोर्ट ने पास कर दिया कि भाई जो ये है, ये आदमी है, ये यहाँ पर दीवार खड़ी नहीं कर सकता क्योंकि इसके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ठीक। अब क्या हुआ, तो इससे क्या होगा, तो कौन सा हो जाएगा, ये प्रोहिबिटरी इंजंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि इसमें इंजंक्शन में क्या कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते, ठीक, समझाई बात नहीं। मैंडेटरी में क्या होता है, अब मान लो इसने दीवार खड़ी कर दी, ठीक है, दीवार खड़ी कर दी इसने, अब हम कोर्ट जाएंगे माय लॉर्ड इसने दीवार खड़ी कर दी है जिससे क्या है, मेरी एयर और लाइट जो आया करती वो अब नहीं आती है, तो इसको हटाने का ऑर्डर पास किया जाए, ठीक। तो ये इस टाइप के अगर कोर्ट ऑर्डर पास करती तो वो क्या होगा, तो वो मैंडेटरी होगा। इसमें कुछ टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, और इसमें टू प्रिवेंट, कुछ रोकने के लिए बोला जाता है। इसमें इसके साथ साथ ये भी हो जाएगा कि प्रिवेंट के लिए भी बोल सकते हैं साथ में कि एक तो देखो जो दीवार तुमने खड़ी की है उसको हटाओ और आगे बनाना भी मत, ठीक है, ये भी तो हो सकता है। तो इसमें दोनों चीजें हो सकती है मैंडेटरी में। मैंडेटरी में कहने का मतलब है कुछ कहने का, कुछ करने के लिए कोर्ट बोल देती है, ठीक है। और प्रोहिबिटरी में अगर इंजंक्शन में कोई परपेचुअल इंजंक्शन है उसमें कोर्ट कुछ करने के लिए बोल रही है तो वो मैंडेटरी इंजंक्शन होगा, अगर कुछ रोकने के लिए, कुछ ना करने के लिए बोल रही है तो वो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन होगा। बात समझ में आई, ठीक। चलो मैंडेटरी कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 39 में दिया हुआ है। प्रोहिबिटरी कहाँ दिया हुआ है, प्रोहिबिटरी तो आपका कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ 37 में परपेचुअल इंजंक्शन कब ग्रांटेड होते हैं ये हम लोग के जानने के लिए है, ठीक है, उसमें दिया हुआ है। ये ऐसे एस सच कहीं पे भी नहीं देखने मिलेगा आपको इसमें एसआरए में, ठीक। चलो अब व्हेन परपेचुअल इंजंक्शन इज ग्रांटेड, कब परपेचुअल इंजंक्शन कोर्ट ग्रांट करेगी, ठीक है। और परपेचुअल इंजंक्शन आए तो इसका मतलब या तो वो प्रोहिबिटरी होगा या मैंडेटरी होगा। ये कहां दिया हुआ, सेक्शन 38 में, कब परपेचुअल इंजंक्शन कोर्ट ग्रांट करेगी। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, अरे बहुत आसान है भाई। देखो इसमें तीन बातें हैं। सबसे पहला सबसेक्शन ये बोलता है कि परपेचुअल इंजंक्शन कोर्ट दोनों ही केसेस में कोई भी राइट्स, ड्यूटी या लाइबिलिटी अराइज होती हो, ठीक है, अराइज होती हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट से या अदर देन कॉन्ट्रैक्ट या और अदर देन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट से कैसे, अरे यार कॉन्ट्रैक्ट से मान लो आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था एग्रीमेंट टू सेल कि मैं आपको अपना मकान एक साल बाद बेच दूंगा, ठीक है, अब आप नहीं बेच रहे तो मैं काय पे जाऊंगा, तो मैं एसआरए के थ्रू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाऊंगा, ठीक है, या आप किसी और को बेचने जा रहे हैं तो मैं एसआरए के थ्रू इंजंक्शन के लिए जाऊंगा कि माय लॉर्ड इसे रोका जाए कहीं और ना बेच दे, है कि नहीं,
तो ये क्यों, ये कैसे हम दो, मैं ए मान लो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो एक साल बाद उसे एग्रीमेंट टू सेल किया है, एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। तो अब ए बी के खिलाफ फिर केस करेगा, ये कैसे केस करने का राइट कहां से आ रहा है, ये राइट्स एंड ड्यूटीज कहां से आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, है कि नहीं। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोई राइट एंड ड्यूटीज या लायबिलिटी अराइज हो रही है तो उनको परफॉर्म कराने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए कोर्ट, तो फिर उसके लिए हम इसमें आ सकते हैं, ठीक। या कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी कहीं से कोई राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटी अराइज हो रही हैं अदर देन कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली, उसके लिए भी हम आ सकते हैं। अब वो कैसे होंगी, वो होगी मान लो टॉर्ट के थ्रू आ रहा है, ठीक है, टॉर्ट के थ्रू न्यूसेंस हो रहा है, ठीक है। अब वो न्यूसेंस को मैं हटाना चाहता हूँ, उस पर इंजंक्शन लगाना चाहता हूँ, तो मैं कोर्ट के पास जाऊँगा, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा कि माय लॉर्ड एसआरए के थ्रू ही तो जाऊंगा कि माय लॉर्ड आप जो है इंजंक्शन लगाए इसे रोकें, है कि नहीं। अब वो कैसे अराइज हो रही है, क्या मेरा उसके साथ जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या कि वो न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कैसे अराइज हो रहा है, इंडिपेंडेंटली उसकी उसकी ड्यूटी है कि वो मेरे राइट्स का वॉयलेशन ना करे, है कि नहीं, समझ आ रही बात कि नहीं। चलो समझ आ जाएगा यार, ऐसी तो मुझे टेक्निकलिटी तो इसमें कोई लग नहीं रही है जो ना समझ में आए, चलो पढ़ो आएगा सब। 38 का क्लॉज 1 पढ़ो, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस कंटेंट और इन और रेफर्ड टू बाय दिस चैप्टर ए परपेचुअल इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन हिज फेवर वेदर एक्सप्रेसली और बाई इम्प्लीकेशन, ठीक है, कहने का मतलब चाहे एक्सप्रेसली चाहे इम्प्लाइडली, ठीक। अब क्या है, अब इसमें दिया हुआ था तो इससे आप ये बात समझ लीजिए कि दोनों ही टाइप के, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आ रहा हो, ठीक है, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आ रहा हो कि भाई उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था अब वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मैं सारे थ्रू जाऊंगा, या कोई अदर देन कॉन्ट्रैक्ट या इंडिपेंडेंट कोई इंडिपेंडेंट ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन या अदर देन कॉन्ट्रैक्ट, समझेंगे, जैसे हमने टॉर्ट वाला बताया अभी, है कि नहीं, टॉर्ट के जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़े था मेरा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि परपेचुअल इंजंक्शन कोर्ट दोनों ही केसेस में ग्रांट कर सकती है, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन आ रहा हो या अदर देन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो, ठीक। इसका सबसेक्शन 2 बोलता है अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, तो उस केस में कोर्ट जो है पार्ट सेकंड से गवर्न करेगा पूरा केस, ठीक है, कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि नहीं, एसआरए का ही पार्ट सेकंड। अरे अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा था ना, अभी नहीं बहुत दिन पहले पढ़ा था, लेकिन आप लोग तो अभी पढ़ रहे होंगे, देखो इसमें पार्ट सेकंड कहां से कहां तक था, 5 से लेके और ये 25 तक, ठीक है। तो इसमें सारी बातें हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, कौन पार्टी केस कर सकती है, कब केस नहीं कर सकती है, कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए, कोई इंजंक्शन के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है, कोई आ रहा है कोर्ट में, तो कोर्ट पार्ट सेकंड के हिसाब से डील करेगी, समझ आई बात की नहीं, आ रहा होगा यार समझ में। अब उसके अलावा जो है तीसरा और है, तीसरा में ये बताया गया है कि अगर कोई, इसी के आगे तीसरा एक पॉइंट और है, एक तो ये हो गया कि चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो चाहे अदर देन कॉन्ट्रैक्ट हो, दोनों में ही कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है परपेचुअल इंजंक्शन। दूसरे में अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है तो पार्ट सेकंड के हिसाब से डील करेगी। तीसरे में कब जो कोर्ट है, क्या कि कब कोर्ट किस किस ग्राउंड पे किस किस केसेस में, 4 या 5 दिए हुए हैं कि किस किस केसेस में कोर्ट क्या करेगी, इंजंक्शन ग्रांट कर देगी, ठीक है। अगर कोई दूसरे के एंजॉयमेंट ऑफ राइट को, एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को इंफ्रिंज करता है, ठीक है, या इन्वेड करने की कोशिश करता है या अटेम्प्ट टू इन्वेड करता है, तो उस केसेस में कब कोर्ट उसे इंजंक्शन ग्रांट कर देगी, ठीक। ये 4 बातें बताई गई है, 4 या 5 केस हैं, कौन कौन से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे तो डर लगता है कि समझ में ना आ रहा हूं मैं, फालतू में
चिल्लाता रहूं। हाँ, तीसरा पॉइंट देखिए इसका, सेक्शन 38 का पॉइंट 3, व्हेन द डिफेंडेंट इन्वेड या थ्रेटन टू इन्वेड द प्लेंटिफ राइट टू और एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी द कोर्ट में ग्रांट ए परमिशन इन द फॉलोइंग केसेस नेमली। पहला चार ही है इसमें, पहला व्हेन द डिफेंडेंट इज द ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी अगेंस्ट द प्लेंटिफ, ठीक है, कि वो प्लेंटिफ के लिए वो क्या है, वो ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी है, ठीक, तो इस केस में कोर्ट ग्रांट करी कर देगी। दूसरे में वेयर देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर एक्सर्टेनिंग द एक्चुअल डैमेज कॉज लाइकली टू बी कॉज बाय द इन्वेशन, ठीक है, अब कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है कि जो अगर उसने इन्वेशन कर दिया तो उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, एक्सर्टेनिंग द एक्चुअल डैमेज, कितना डैमेज हुआ है, ठीक। तीसरा, वेयर द इन्वेशन इज सच दैट कंपनसेशन इज मनी इज नॉट द एडुकेट रिलीफ। तीसरे पॉइंट में क्या है कि कंपनसेशन इज मनी इज नॉट द एडुकेट रिलीफ, कि कंपनसेशन देना एडुकेट रिलीफ नहीं होगा, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगी, इंजंक्शन ग्रांट करेगी। चौथा, वेयर द इंजंक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक, कि मल्टीप्लिसिटी बहुत सारे केसेस में हो जाए उसको रोकने के लिए इंजंक्शन ग्रांट करना पड़े, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चार केसेस में प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट का अगर वायलेशन हो रहा है, इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, इन्वेड कर रहा है अगर डिफेंडेंट प्लेंटिफ को, तो उस केस में इन चार केसेस में कोर्ट तुरंत ग्रांट कर देगी, ठीक है। तुरंत का मतलब आपको बताना तो पड़ेगा, प्रूफ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ प्रूफ कर दो फिर भी ऑन द डिस्कशन ऑफ द कोर्ट है, ग्रांट करे ना करे, ठीक है, डिस्कशन बहुत है। चलो ये चारों ध्यान कर लेना, कई बार प्री में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, इनमें से कोई ना कोई एक नहीं होता है, तो वो मेंस में भी लिखना पड़ता है। मैंडेटरी इंजंक्शन ठीक है, मैंडेटरी इंजंक्शन मैं सेक्शन 39 आपको समझा ही दिया है, पढ़ लेना समझ में आ जाएगा। 40, डैमेज इन लियो और इन एडिशन टू इंजंक्शन। अब इस 40 क्या बोलता है कि देखो इंजंक्शन के साथ साथ आप डैमेज भी मांग सकते हो या कंपनसेशन भी मांग सकते हो, ठीक है, मांग सकते हो कि नहीं मांग सकते हो, सेक्शन 41 बोलता है मांग सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर इंजंक्शन ग्रांट नहीं हुआ है तो फिर कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा, ये भी बोलता है, पढ़ लेना समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं इसमें। सेक्शन 41 ये बताता है कि कब कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी, इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड, ठीक है, कब कोर्ट जो है इंजंक्शन ग्रांट करने से मना कर देगी, तो इसमें 10-11 पॉइंट है, ठीक है, उसको 10-12 बार पढ़ लेना, 10-11 पॉइंट को 10-12 बार ही आप पढ़ना मल्टीपल्स ऑफ टाइम्स, ठीक है, तो दिमाग में बैठ जाएगा कि इस केस में कि कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती। मान लो क्या कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है, कि आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते या आप हायर कोर्ट नहीं जा सकते, नहीं, क्या कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है कि आप कोई लेजिस्लेटिव बॉडी के पास नहीं जा सकते, नहीं, है कि नहीं, तो इसमें सारी चीजें दी हुई है कि कब कब केस जो है किन किन केसेस में कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी, इसमें चुपचाप आपको 2-3 बार पढ़ लेना है, 2-3 बार नहीं 8-10 बार पढ़ लेना, ठीक है, जिससे दिमाग में बैठ जाए, अगर प्री में भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे पकड़ लें, ठीक। चलो, इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट, सेक्शन 42 क्या बोलता है कि इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट। अब मान लो सेक्शन 42 क्या बोलता है, इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट, क्या मतलब है भाई इसका, देखो क्या होता है ना, कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट में अफर्मेटिव के साथ साथ नेगेटिव चीजें भी होती हैं, ठीक है, दोनों का इन्फोर्समेंट कराना जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, ठीक है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि बी जो है एक महीने, मान लो अभी कौन चल रहा है 1 अक्टूबर से और 31 दिसंबर तक, ठीक है, ये मेरे लिए गाना गाएगा मेरे स्टूडियो में, ठीक है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि बी जो है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक मेरे स्टूडियो में गाना गाएगा, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब ए बी जो है गाने से मना कर देता है, बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है कि हम नहीं गा रहे, ठीक है, और किसी और के स्टूडियो में, सी के स्टूडियो में गाने लगता है जाके, ठीक, तो क्या कोर्ट इन्फोर्स करवा सकती है बी को कि नहीं तुम ए के स्टूडियो में गाना गाओ, नहीं करवा सकती, क्यों, क्योंकि पर्सनल स्किल इसमें इन्वॉल्व है,
पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि नहीं, जिसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व हो जाए कोर्ट इन्फोर्स नहीं करवा पाती। मान लो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया जाओ तुम गाओ जाके, सड़क आने लगे हम वहां पर जाके सही से गा ही नहीं रहे, उल्टा सीधा गा रहे, अब कोर्ट ये कह लेगी सही से गा है? तो जिसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व हो जाती है उसमें कोर्ट इन्फोर्समेंट नहीं करती है, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैं कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि भैया ये है, मैंने कहीं कॉन्ट्रैक्ट किया मैं एक साल तक तुम्हारी कोचिंग में पढ़ाऊंगा, मैंने बीच में ही छोड़ दिया, तो कोर्ट क्या मुझे बाउंड कर सकती है कि मैं पढ़ाऊं जाके? नहीं करती पर्सनल स्किल में, क्योंकि कोर्ट जानती है कि इन्फोर्स करवाने से भी इन्फोर्स नहीं हो पाएगा, मैं सही से नहीं पढ़ाऊंगा जाके वहां पर, उल्टा सीधा पढ़ाऊंगा फिर। तो जहां पर पर्सनल स्किल इन्फॉर्म हो जाए वहां पर कोर्ट इन्फोर्स नहीं कराती, लेकिन कोर्ट जो है निगेटिव जो साथ में है कि अगर इतने टाइम के लिए इसने कॉन्टेक्ट किया कि मेरी कोचिंग में पढ़ाएगा ए जो है, बी जो है ए की कोचिंग में पढ़ाएगा, इन सॉरी ए की कोचिंग में वो गाएगा, अब वो सी की कोचिंग में गा रहा है जाके, कोचिंग में क्यों स्टूडियो में गा रहा है, सी के स्टूडियो में गा रहा है जाके, तो क्या होगा? तो कोर्ट जो है इसे सी के स्टूडियो में जाने से रोक सकती है कि आप वहां पर भी नहीं गाएंगे, अगर आप ए क्या नहीं गा रहे तो वहां पर भी, ये निगेटिव जो होते हैं उसको भी रोक सकती है। समझ आई बात नहीं? अरे तुम पढ़ो अभी, अभी समझ में आएगा, रीडिंग मारो इसे। इंजंक्शन टू परफॉर्म निगेटिव एग्रीमेंट नॉट विद अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 41। देखो यहां पढ़ो, वी आर ए कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइजेज एन अफर्मेटिव एग्रीमेंट टू डू सर्टेन एक्ट, ठीक है। अब कोई जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ कि अफर्मेटिव एग्रीमेंट क्या है, टू डू ए सर्टेन एक्ट, कि बी जो है ए के स्टूडियो में गाना गाएगा, ठीक, कपल्ड विद ए निगेटिव एग्रीमेंट, तो इसके साथ निगेटिव एग्रीमेंट ये हो गया कि इस बीच वो कहीं और नहीं गाएगा, ठीक है। चलो एक्सप्रेस और एक्सप्रेसली और impliedly not to do a certain act the circumstances that the court is unable to compel specific performance of the affirmative agreement shall not preclude it from it granting injunction to perform the negative agreement, ठीक है। अगर court इसमें affirmative agreement तो perform नहीं करवा सकती, नहीं grant कर सकती, क्यों? क्योंकि इसमें personal skill involved है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है court जो negative है उसको भी perform नहीं करवा सकती, ठीक है। ये साफ साफ ये बोलता है, हाँ ये मालूम है कि कोर्ट ये ऑर्डर नहीं कर सकती बी को कि तुम ए के स्टूडियो में ही गाओगे, लेकिन ये जरूर उसे सी के स्टूडियो में गाने से रोक सकती है कि नहीं? बस सेक्शन 42 यही समझाना चाहता है आपको, समझाएगा। बी कोर्ट जो है बी को बाउंड नहीं कर सकती क्योंकि पर्सनल स्किल है कि वो ए के स्टूडियो में गाए, लेकिन कोर्ट बी को किसी और के स्टूडियो में जरूर गाने से रोक सकती है, समझे कि नहीं? सेक्शन 42 यही समझाना चाहता। अब इसमें 43 एंड 44 थे, जैसे हम लोग लेक्चर स्टार्ट किया तो उसमें बताया था कि ये 1974 में हटाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक शेड्यूल और सेक्शन 43-44 ये दोनों चीजें हटा दी गई थी 1974 में, ये भी एक अपने आप में प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत जगह पूछा गया, छत्तीसगढ़ में पूछा गया, एमपी में पूछा गया, ठीक है। अब उसके अलावा इसमें अब एक 2018 में जो अमेंडमेंट हुए हैं वो सारे ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या जोड़ा गया 20A से 20C तक, ठीक है। बहुत पूछा जाता है, इस बार भी आएगा, कोई नया पेपर नहीं है, ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन नए होते हैं, पेपर तो वैसे ही होता है, 70-80% क्वेश्चन हर एक पेपर में पहले से ही कहीं ना कहीं पूछे हुए होते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें एक शेड्यूल भी जोड़ा गया है जो कि 2018 में जोड़ा गया, ठीक है। तो 2018 में जितने भी अमेंडमेंट हुए उन सबको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरा बैरक था, मेरा बैरक जो है वो 2018 से पहले का था, तो इसलिए कुछ गलतियां उसमें पहले लेक्चर रिकॉर्ड करने में हो गई थी। जैसे कि सेक्शन 16 का सब सेक्शन ए जो है वो मैं पहले का जो अमेंड नहीं हुआ था वो मैं रीड मार गया था, तो उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है, आपके बैरक में जो है 2018 के अमेंडमेंट के बाद से, क्योंकि मैं क्या करता हूँ ना छोटी मोटी चीज़ें अगर ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं हुए तो मैं इसी में ही नोट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये जो है एक पन्ना ऐड कर लिया, बस 14 इसमें हो गया, 14A हो गया, ठीक है, और ये 20 हो गया, सेक्शन 20-20A-B-C, तो ये जो है अगर बैरक चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो मैं उसी में ही कर लेता हूँ, तो छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक। समझ में आई कि नहीं बात? तो मोटा मोटी आपको ये समझ में आया क्या कि इंजंक्शन कौन कौन से केसेस में ग्राउंड हो जाता है, ठीक है। तो या तो ट्रस्ट का केस हो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो, ठीक है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कि नहीं, वो ट्रस्टी था, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या अदर देन कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाता है, ब्रीच ऑफ टॉर्ट, या टॉर्ट का केस हो, ठीक है,
इन सब केसेस में इंजंक्शन ग्रांट हो जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के केस में किससे डील होगा, पार्ट सेकंड से, एसआरए के। टॉर्ट के केसेस में क्या होता है, बहुत सारे केसेस जिसमें इंजंक्शन ग्रांट हो जाता है, जैसे कि न्यूसेंस है, ठीक है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट है और लायबल है, ठीक है, स्लेंडर है, इन सब केसेस में क्या होता है, इंजंक्शन ग्रांट हो जाता है, ठीक। समझ आई बात कि नहीं? कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमेशा पेपर में अगर माइनर सब्जेक्ट हैं तो वो हमेशा नंबर देने के लिए होते हैं, ठीक है। माइनर पे पहले कमांड बनाइए, क्योंकि उस पर सीओ शॉर्ट नंबर मिल जाते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिए, हरियाणा का पेपर, राजस्थान का पेपर और जो कौन कौन सा उत्तराखंड एपीओ का भी आ गया है, ठीक है, वो सब अच्छे से तैयार करके देखिए। थैंक यू।